हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीआईबी का जो एबीएम है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपके क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादातर मॉड्यूल सी के रहेंगे अभी, क्योंकि मॉड्यूल सी में से काफ़ी सारे आपके थ्योरी के क्वेश्चन पूछे गए थे लेटेस्ट जो हमारा एग्जाम हुआ था। तो ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे स्पेशली अभी मॉड्यूल सी को लेके हम डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम लोग बाकी मॉड्यूल्स के हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ एचआरएम? इसका फुल फॉर्म हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और इससे अगला जो आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एचआरडी? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया हमारे पीपल को लेके, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉय है, जो लोग हैं उनको ये मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है? कोई भी नई वैकेंसी है उसका रिक्रूटमेंट करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, यानी ये स्पेशली एचआर का काम रहता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो रहेगा वही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। और इसका मतलब ये हो गया कि मैनेज करना, नई नई अगर वैकेंसी है तो उसका रिक्रूटमेंट देखेगा प्रॉपर, जो नए लोग एम्प्लॉय आ रहे हैं उन सबको देखेगा, और उनको अच्छी सी सारी फैसिलिटीज़ मिले, उनको किसी टाइप का जो भी रिवॉर्ड रहता है, जो भी रिवॉर्ड सिस्टम ये सब रहता है, तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखता है। अगर किसी को जॉब से निकालना है, हटाना है, ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हाथ में होता है। ठीक है, तो बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू आर्ट ऑफ मैनेजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन वर्कफोर्स काम करती है उनको हर तरह से मैनेज करना। इट एम्स एट प्रोवाइडिंग एन ऑप्टिमल वर्किंग एनवायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज टू फुल्ली एंड फ्रीली यूटिलाइज देयर स्किल्स टू बेस्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव किया जा सके, कैसे? ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना, किसको? जो वर्कफोर्स है, ह्यूमन वर्कफोर्स, उनको ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराना ताकि वो अच्छे से काम करें और उनकी जो स्किल्स है वो उसको पूरी तरह से यूटिलाइज करें। तो ये सारा काम किसका हो गया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया स्पेशली पीपल, मतलब जो वर्कफोर्स है, ह्यूमन वर्कफोर्स है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको मैनेज करना, नई रिक्रूटमेंट, नई वैकेंसीज लाना, और किसी को अगर हटाना है, ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हाथ में हो जाएगा। सेकेंड है, व्हाट इज एचआरडी? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो एक बार मतलब ये हो गया फर्स्ट, जो आपका पहली बार आपको जो सामना करना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। कोई भी अगर पर्सन, कोई भी अगर जॉब ज्वाइन कर रहा है, तो सबसे पहले उसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने उसका रिक्रूटमेंट किया। उसके बाद जैसे आपको कोई नई जॉब मिलती है, उसके बाद क्या होता है, आपकी ट्रेनिंग की जाती है, क्लासरूम ट्रेनिंग की जाती है प्रॉपर। आपका 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, डिपेंड करेगा किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अगर आप बात करें आर्मी की, तो वहाँ पे 6 मंथ का ऐसा ट्रेनिंग होता है, कहीं पे ज़्यादा होता है। बैंकों की अगर बात करें तो मैक्सिमम 15 दिन या फिर 1 महीने का ऐसा ट्रेनिंग रहता है। अगर ऑफिसर रैंक की बात करें तो 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। पर आपका अगर सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग की बात करें तो वो आपका 1 महीना या 2 महीना इस तरह से रहता है। तो सेकेंड चीज़ आपकी आएगी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक तरीके का सब सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो सब कुछ आ जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपकी जो स्किल्स है उसको डेवलप किया जाएगा। स्किल्स जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से, अभी बैंक में वो जॉब करता है, तो बैंक का काम थोड़ा अलग होगा। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें कंप्यूटर से होगी, कुछ चीज़ें अलग से भी होंगे, बैंक के कुछ प्रोसेसेस होंगे, सिस्टम होंगे। तो क्लासरूम ट्रेनिंग के थ्रू उसको बताया जाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया कि इट एम्ड एट डेवलपिंग अ सुपीरियर वर्कफोर्स सो दैट कंपनी एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय मे अचीव देयर वर्क गोल इन कस्टमर्स सर्विस। तो किसी भी सर्विस में जो है हमारे जो वर्कफोर्स है उनको इस तरह से डेवलप करना, मतलब कैसे होगा डेवलपमेंट? उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, क्लासरूम ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, इस तरह की चीज़ों से अलग अलग उनके कुछ सेशंस ऐसे कंडक्ट कराए जा सकते हैं, वर्कशॉप टाइप, जहाँ पे उनको प्रॉपर चीज़ें बताई जाएंगी। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होती है, उनके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें क्वेश्चन भी उनके काम से रिलेटेड ही रहता है। तो ये सारा कुछ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो डिफरेंस क्या हो गया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ लोगों से डील करती है, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देखती है कि कैसे उनको डेवलप किया जाए ताकि वो अच्छे से काम कर सके। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, टाइम टू टाइम उनके एग्जाम्स कंडक्ट करा जाएंगे। वो काम किसका होगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का रहेगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज जॉब एनालिसिस? जॉब एनालिसिस का मतलब है, इट इज़ अ टेक्निक दैट फैसिलिटेट द लिस्टिंग ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ए टास्क। मतलब किसी काम को करने के लिए एनालाइज करना क्या हो गया, किसी चीज़ को समझना। जॉब मतलब काम, काम को समझना। कैसे समझेंगे काम को? कि हमें जानना होगा कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्टडी की जाती है और कलेक्ट की जाती है क्या चीज़ें, इन्फॉर्मेशन
जो कि जॉब के बारे में बताती है कि जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है और जॉब की स्पेसिफिकेशन क्या है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन क्या होता है वो आपका नीचे वाले दो क्वेश्चन है, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस मतलब जॉब को समझना, कैसे समझेंगे, जॉब की डिस्क्रिप्शन को समझ के और उसकी स्पेसिफिकेशन को समझ के हम जॉब को समझ सकते हैं, ठीक है, उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब को डिस्क्राइब करना कि क्या काम रहेगा हमारा, वो हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन। टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल इज टू परफॉर्म इन अ गिवन सेटअप, कि क्या क्या उसका काम रहेगा। जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, किसी को अभी वैसे टाइपिंग का इतना नहीं है, मान लीजिए किसी को सेक्रेटरी का जरूरत होता तो उसका ज़्यादातर लेटर टाइपिंग या वो जो जिसकी भी जिसका भी सेक्रेटरी का जॉब लगा है, तो आपके जो भी बॉस है उनकी क्या क्या किस किस टाइम पे आपकी मीटिंग्स रहेंगी, तो उन सारा कुछ अरेंजमेंट हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन में। आपको प्रॉपर लेटर्स टाइप करने होंगे तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन। किसका, मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया कि अगर अगर सेक्रेटरी की जॉब चाहिए तो क्या होगा, आपको लेटर्स टाइप करना आना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप इंग्लिश में लेटर टाइप कर सको, क्योंकि बहुत से लेटर्स इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में भी आने चाहिए आपको। और क्या हो सकता है कि आपको प्रॉपर देखना होगा कि क्या क्या आपका काम है, तो वो जाएगा जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब ये डिस्क्राइब कर रहा है कि क्या काम है, क्या काम आप करेंगे। सेकेंड आता है जॉब स्पेसिफिकेशन, हर पर्सन की अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती है, उसके हिसाब से जॉब्स उनको दी जाती है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि इस जॉब को करने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया क्या काम है, क्या काम हम करेंगे, टाइपिंग का काम रहेगा, क्या काम रहेगा, वो हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब इस स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन हो गई, या आपको स्पेसिफिक अगर आप आईटी लाइन में जॉब कर रहे हैं मान लीजिए आईटी, तो आपको मिनिमम बीटेक होना चाहिए, या तो आईटीआई कंप्यूटर बैकग्राउंड से ही बीटेक होना चाहिए। इस तरह की कुछ जॉब की स्पेसिफिक आपकी नॉलेज वो पूछ सकते हैं कि इस चीज़ का, इस लैंग्वेज का आपको मालूम होना चाहिए, जैसे सी लैंग्वेज या और भी कुछ लैंग्वेजेस हो सकती है आईटी लाइन के लिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी ये सब स्किल्स होनी चाहिए, तो वो आ जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन। सो डिफरेंस क्या हुआ, जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या काम करना है, जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, कितनी आपकी कैसी कैसी आपकी नॉलेज है, कितना आपका स्किल्स है, ठीक है। तो इसका जॉब स्पेसिफिकेशन एग्जाम्पल भी दिया हुआ है आपका, क्या जैसे कुछ जॉब के लिए स्पेसिफिक एज रहती है, ठीक है, तो एज कितनी है आपकी, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, मतलब अगर आप कोई ऐसी जॉब देख रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी आप काम कर चुके हैं और आप स्विच ऑन कर रहे हैं किसी दूसरी कंपनी में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कौन कौन से आपके अंदर स्किल्स है, तो वो आ जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जॉब एनालिसिस के लिए डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन इन दोनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज जॉब इवैल्यूएशन, जॉब इवैल्यूएशन एक्चुअली ये जॉब एनालिसिस का पार्ट नहीं है, पर फिर भी इसको जॉब एनालिसिस में ही बोला जाता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि जॉब इवैल्यूएशन होता क्या है, सो इट इज़ यूज टू कंपेयर सिमिलरिटी बिटवीन जॉब्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 10 तरीके का काम होगा, कोई टेक्निकल टीम में काम करता होगा, या फिर कोई मैनेजमेंट का काम देखता होगा, कोई एचआर डिपार्टमेंट में होगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। तो जॉब इवोल्यूशन इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि सिमिलरिटीज क्या क्या हैं जॉब में, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की जो जो जॉब्स हैं, मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 तरीके की जॉब्स हैं, तो उनमें सिमिलरिटीज क्या है, उन 10ों जॉब्स में, उन 10ों जो आप काम कर रहे हो उसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और इवन इंडस्ट्री। तो आपस में मान लीजिए दो ऑर्गेनाइजेशन, उनके काम मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तरह से काम होता है, 10 तरीके की जॉब है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में 12 तरह की जॉब है या 10 तरह की जॉब है, तो उनका आपस में कंपेयर करना, उनमें सिमिलरिटीज क्या है। इवन इंडस्ट्री देखा जाता है कि एक इंडस्ट्रीज में जो जो जॉब है उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज है, तो वही होता है जॉब इवोल्यूशन, मतलब सिमिलरिटीज चेक करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स का, या दो ऑर्गेनाइजेशन की आपस में जॉब्स का, या एक इंडस्ट्रीज में जो जॉब्स है उनको, उनमें सिमिलरिटीज को ढूंढना, वो हो गया हमारा जॉब इवोल्यूशन। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट डिफाइन टास्क एंड जॉब, टास्क क्या हो गया, बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब, जॉब का जो बेसिक एलिमेंट है वो टास्क हो गया, एंड रिक्वायर अ पर्सन टू अचीव ए स्पेसिफिक, मतलब आपको कुछ अचीव करना है, वो हो गया आपका टास्क, मतलब ये आपका टास्क है। जैसे बोला जाता है आज के लिए आपका ये टास्क है, आपको ये कंप्लीट करना है, तो वो हो गया टास्क। तो ऐसा नहीं कि डेली के लिए आपका वही टास्क रहेगा, आपकी जॉब क्या हुई, जो सेकेंड आपका हेडिंग है जॉब, वो क्या हुआ, जॉब मतलब अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ टास्क रिक्वायरिंग एन इंडिविजुअल टू अचीव एन ओवरऑल प्रोडक्ट, मतलब बहुत सारे आपके टास्क मिलके एक जॉब बनता है। और टास्क क्या हो गया, टास्क एक बेसिक एलिमेंट हो गया जॉब का, मतलब आज आपका टास्क कुछ है, कल आपका टास्क कुछ और हो सकता है, पर जॉब आपकी वही रहेगी, ठीक है। तो एक जॉब में कई तरीके के टास्क हो सकते हैं, या ऐसे भी बोलिए कि बहुत सारे जो टास्क है उनका कॉम्प्लेक्स सिस्टम को मिला के हम जॉब बोल सकते हैं, ठीक है। तो यही डेफिनेशन हो गया, टास्क हो गया किसी भी प्रोडक्ट को अचीव करने के लिए कोई आपका काम, जॉब कर रहे हैं लेकिन वो जॉब का बेसिक एलिमेंट है, और जॉब हो गया
टास्क को मिला के, कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टास्क को मिला के जो काम बनेगा वो होगा हमारा जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है व्हाट आर सोर्सेस ऑफ डेटा, इसमें बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट आर सोर्सेस ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन फॉर अ जॉब एनालिसिस। इससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, मतलब जॉब को समझना, ठीक है, क्या क्या डिस्क्रिप्शन है और स्पेसिफिकेशन है। अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन फॉर जॉब, तो आपको क्या क्या डेटा या क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जिसकी हेल्प से आप जॉब के एनालिसिस कर सकते हैं, तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेज है। तो चार तरीके के सोर्स है, एक तो जॉब होल्डर हो गया, दूसरा हो गया सुपरवाइजर, तीसरा हो गया कस्टमर फीडबैक, चौथा हो गया एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कौन से, जो जॉब के एनालिस्ट करते हैं वो एक्सपर्ट्स। तो एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉब होल्डर से कैसे आप जॉब एनालिसिस, जॉब होल्डर मतलब जो जॉब को कर रहा है, जो उस काम को कर रहा है, तो अगर आपको किसी भी जॉब के एनालिसिस करने की, किस तरीके का वो काम करना है, कैसा वो काम है, तो जो जॉब होल्डर जो ऑलरेडी इस काम को कर रहा है उसको मालूम होगा कि किस तरीके का काम है, ठीक है। तो जॉब होल्डर से आप पूछ सकते हैं क्या क्या काम है, क्या क्या इसकी डिस्क्रिप्शन है, इस तरह से आप जान सकते हैं, ठीक है। तो जॉब होल्डर एक हो गया आपका इन्फॉर्मेशन का जरिया, मतलब जो आपको बताएगा कि ये काम है। दूसरा हो गया सुपरवाइजर। सुपरवाइजर कौन होते हैं, जो देखते हैं, मान लीजिए कई बार कुछ, अगर आप फैक्ट्रीज की बात कीजिए जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे 20 या 30 मजदूर काम कर रहे होते हैं, कोई मशीन ऐसे चल रही होगी, और उन 20 से 30 मजदूर में एक सुपरवाइजर होता है, वो उनको देखता है, उन 20 से 30 लोगों को मैनेज करता है, तो वो होता है सुपरवाइजर। तो जॉब होल्डर जो काम कर रहा है, जो मशीन में बैठा हुआ है, उसको मालूम है मतलब 20 30 लोग हैं, तो वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो सभी के सभी 20 30 लोग हो गए जॉब होल्डर। सुपरवाइजर उन 20 30 लोगों को देखने वाला, मैनेज करने वाला एक पर्सन है जिसको बोला जाता है सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर को भी मालूम है कि क्या काम है, या ये भी हो सकता है कि सुपरवाइजर पहले कभी जॉब होल्डर रहा हो, अब वो सुपरवाइजर बन गया हो, काफी एक्सपीरियंस उसको हो गया हो, तो उसको सुपरवाइजर बना दिया गया, तो उसको भी मालूम होता है किस तरह का काम है, क्योंकि वो देख रहा होता है क्या काम है कैसा है। तो सुपरवाइजर को भी काम के बारे में नॉलेज होता है, जॉब की डिस्क्रिप्शंस पता होती है कि कैसा ये काम है। तीसरा कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक ज़्यादातर तब आता है जब आप कोई कस्टमर सर्विस वाला कोई काम करते हैं, जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज में जो काम चलता है, तो वहाँ पर आप कस्टमर की फीडबैक ले सकते हैं। अगर बैंकिंग इंडस्ट्रीज की बात करें, तो कस्टमर जितना सेटिस्फाइड रहेगा तो पता लग जाएगा कि हाँ ये कस्टमर इस सर्विस से इतना सेटिस्फाइड, तो पता लग जाएगा कि जॉब जो होल्डर है उसने उस काम को उतने अच्छे से एग्जीक्यूट किया, उससे उतने अच्छे से कंप्लीट किया है कि कस्टमर जो है सेटिस्फाइड। तो कस्टमर का फीडबैक इंपॉर्टेंट रहता है, पर हर तरह की जॉब में नहीं, ये सिर्फ उन उस तरह की जॉब में कस्टमर का फीडबैक इंपॉर्टेंट रहता है जो सर्विस इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ के लिए हो गया कस्टमर फीडबैक। लास्ट हो गया एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स मतलब जॉब एनालिस्ट। अब एक्सपर्ट्स को कैसे पता होगा, इनका काम ही होता है कि जॉब का एनालिसिस करना। अभी कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, जो जॉब होल्डर है उनसे खुद बात करते हैं, सुपरवाइजर से बात करते हैं, तो जगह जगह से ये नॉलेज इकट्ठे कर लेते हैं उस बारे में, उस जॉब के बारे में, और फिर वो एक्सपर्ट्स हैं, उनको मालूम है कि हाँ ये ऐसा काम है, तो वो जॉब का एनालिस्ट करना, यही उनका काम है कि जॉब के एनालिस्ट करना। तो इन चारों से ही हम जॉब के बारे में एनालिस्ट कर सकते हैं, जॉब के बारे में जो है नॉलेज ले सकते हैं। तो हमारे डेटा और इन्फॉर्मेशन के ये चारों सोर्सेज हो गए। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन फॉर जॉब एनालिसिस। तो क्या क्या, अगर आप डेटा को कलेक्ट करने जा रहे हैं जॉब एनालिसिस के लिए, तो क्या क्या आपके प्रोसेसेस है, क्या क्या और तरीके, इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चनरीज हो गया और ऑब्जर्वेशन, तीन चीज़ें होगी। इंटरव्यू में क्या कर सकते हैं कि आप जो है, जैसे मान लीजिए जॉब एनालिस्ट है, मान लीजिए उसको डेटा कलेक्शन करनी है, तो वो जो जॉब एनालिस्ट है या जो भी एक्सपर्ट्स है, तो वो इंटरव्यू करेंगे प्रॉपर उस पर्सन के साथ, जो भी जॉब होल्डर जो काम कर रहा है, और इंटरव्यू में उससे जॉब के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, मान लीजिए 30 लोग कुछ काम कर रहे हैं, तो वो जो क्वेश्चन आंसर्स टाइप का कुछ प्रिपेयर होगा एक फॉर्मेट, और उनको फिल करना होगा कि ये काम में क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो क्वेश्चन सेक्शन के थ्रू भी आप जान सकते हैं कि क्या क्या ये काम रहेगा, ठीक है। तो 20 30 लोग जो काम कर रहे हैं, आपने एक पेपर में कुछ क्वेश्चन आंसर्स का सेट बना रखा है, ये क्वेश्चन और चार उसके ऑप्शन है, तो आप क्या सोचते हैं, मतलब जो भी लोग हैं उनके बारे में, तो वो जो क्वेश्चन जो सेक्शन रहेगा जिसमें क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, तो वो उस काम के रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, तो वो जो जॉब होल्डर है उनको उसका रिप्लाई देना होता है, ठीक है। तो इससे भी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या करना है कि जॉब होल्डर वो मतलब अपना काम कर रहा है, आप उसको देखोगे कि कैसे वो काम कर रहा है। तो कई बार ये क्या होता है कि थोड़ा सा आपको डिस्टर्बिंग लग सकता है, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए आप कस्टमर का कोई सर्विस कर रहे हैं, और कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, तो 2 4 मिनट के लिए तो ठीक है, पर परमानेंट कोई आपको 1 या 2 घंटे से ऑब्जर्व करेगा, तो आपका खुद का जो माइंड है वो इधर उधर, मतलब आप उतने अच्छे से मतलब काम नहीं कर पाएंगे, मतलब नेचुरली जो आपका बिहेवियर है वो नहीं आएगा काम में, ठीक
ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए क्या प्रेफर किया जाता है कि आपका सीसीटीवी कैमरा रहेगा और फिर सीसीटीवी कैमरे के थ्रू ऑब्जर्व किया जाता है कि क्या, क्योंकि आपको कोई डायरेक्ट नहीं देख रहा होगा, तो आप जो नेचुरली मतलब डेली आप जो जैसे काम करते हैं वैसा ही आप अपना काम करेंगे, ठीक है, वैसे ही अपने काम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में क्या हो गया कि आपको सीसीटीवी कैमरे के थ्रू या कहीं पर डायरेक्टली भी आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि कैसे आप काम कर रहे हैं, किस तरीके का ये काम, तो इस तरह से आप जो है डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है, व्हाट आर द फाइव रोल्स एचआर इज हैविंग एज पर पारिक एंड राव इन 1981। तो उसने बोला था कि एचआर जो है ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट है, या आप बोलिए एचआर मैनेजर हो गया जो कि ह्यूमन रिसोर्स को देखता है, तो एचआर का बेसिकली कौन कौन से फाइव रोल्स है जो उनको पूरे करने होते हैं, कौन कौन से पांच काम है जो होने चाहिए एचआर को, एचआर के द्वारा, और ये किसने बोला था, पारिक एंड राव ने 1981 में बोला था। तो पहला हो गया सपोर्टिव रोल, पांच रोल बताने हैं एचआर के, तो पहला हो गया सपोर्टिव रोल, मतलब वो अपने काम में प्रॉपर सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि एचआर का काम क्या है, प्रॉपर अपने जो भी वर्क फोर्स उसको मैनेज करना, तो अगर वो सपोर्टिव नहीं होगा, मतलब किसी की कोई रिक्वायरमेंट होगी, मान लीजिए किसी पर्सन की कुछ रिक्वायरमेंट है, आप सपोर्टिव नहीं है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको क्या पता कोई प्रॉब्लम हो जो आपसे वो शेयर करना चाहता हो, बट आप बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है उसके काम को लेके, क्या पता किसी और तरह के काम में उसको ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट हो, वहाँ पे उसकी आउटपुट ज़्यादा अच्छी हो, ऐसा भी हो सकता है, पर आप बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ही लॉस होगा। तो जो एचआर है उसके जो फाइव रोल्स है उसमें पहला और इम्पॉर्टेंट है सपोर्टिव, मतलब उसको जो भी उसके जो वर्क फोर्स है उसके लिए प्रॉपर सपोर्टिव होना चाहिए, उनको प्रॉपर अपना सपोर्ट देना चाहिए। दूसरा, रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च, तो सिस्टम डेवलपमेंट और रिसर्च का प्रॉपर उसको जो है रोल पूरा करना है। मैनेजरियल, मतलब उसको सब मैनेज करना है, एचआर का तो मेन काम मैनेजमेंट का ही रहता है, तो मैनेजर रोल इसका आ जाता है। रोल ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज, कॉम्पिटेंसी मतलब तो योग्यता, लोगों में टेक्निकल नॉलेज और जिस तरह की नॉलेज काम को लेके है तो उसको डेवलप करवाना। एंड प्रोसेस रोल, अलग अलग हमारे सिस्टम और प्रोसेसेस रहते हैं उसको जो है मैनेज करना, ये भी हमारा एचआर का फिफ्थ फंक्शन हो जाएगा। तो ये पांच हमारे हो गए, सपोर्टिव, रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च, मैनेजरियल एंड कॉम्पिटेंसीज डेवलपमेंट रोल, और प्रोसेस रोल। नेक्स्ट देखते, व्हाट आर पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट ऑफ एचआर प्रोफेशंस, तो उसका अगर हम पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स की बात करें तो क्या होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए, मतलब किसी भी काम को लेके हमेशा इनिशिएटिव ले, इमेजिनेशंस मतलब दूसरों की चीज़ों को भी इमेजिन कर सके, और क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए। दूसरा है पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स अदर, दूसरों को लेके नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड उसका होना चाहिए हर चीज़ को लेकर, हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव उसको सोचना चाहिए। कंसर्न फॉर एक्सेलेंस, एक्सेलेंस मतलब कैसे डेवलपमेंट किया जा सके, कैसे बेस्ट अचीव किया जा सके, उसके लिए उसको कंसर्न होनी चाहिए। चौथा, एबिलिटी टू वर्क एज टीम मेंबर, तो टीम मेंबर्स की तरह काम कर सके, इस तरह की भी उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चार पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स है जो कि एचआर प्रोफेशनल्स में होने ही चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड का क्या मतलब है, एटीट्यूड मतलब आप कैसा बिहेव शो करते हैं किसी सिचुएशन में, तो वो क्या आपका एटीट्यूड, कैसा आपका जो एटीट्यूड, एटीट्यूड में तीन चीज़ें आ जाती है, एक तो आपका इमोशनल आप कैसा बिहेव शो करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं नेगेटिव रहते हैं, कितने आपको इन्फॉर्मेशन है, और किस तरीके का आपका बिहेवियर है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो वो होता है आपका एटीट्यूड। जैसे कुछ लोगों का क्या एटीट्यूड रहता है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, मान लीजिए कोई उनको ऑफिस में कोई अचानक से बहुत टेंशन, तो उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब कितना भी उनको टेंशन रहेगा उनके फेस पे आप स्माइल हमेशा देखेंगे, उसको मालूम है कि ये तो रूटीन है, डेली का ही काम है, कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा टेंशन लेके अपना ही और जो है हेल्थ खराब करना, इस तरीके का कुछ लोग सोचते हैं, तो उनके उनको मालूम है इसको कैसे मैनेज करना है, और कितना भी उनको स्ट्रेस आ जाए वो हमेशा स्माइली नेचर के रहते हैं, ठीक है, तो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। कुछ नेगेटिव एटीट्यूड के रहते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड बोलना चाहिए उनके बिहेवियर में रहता है, तभी यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट है जो आपका इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उस कॉम्पोनेंट में बिहेवियर है, मतलब किसी का बिहेवियर रहता है कि थोड़ा भी अगर आप उनको टेंशन दे दोगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, क्योंकि काम है, काम में बिना टेंशन के आपका नहीं होना, ये आपको मालूम है कि सुबह से शाम तक में इतने आपके हजारों टाइप के काम रहते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कोई छोटा काम कोई अचानक से अर्जेंट सबको काम करना पड़े, तो किसी का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि थोड़ा सा भी उनको टेंशन दे दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कई बार गुस्से में हो जाते हैं, कोई भी उनसे कुछ बात करेगा तो वो हमेशा गुस्से में रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो छोटे से छोटे चीज़ में स्ट्रेस लेते हैं, ये उनके बिहेवियर में, तो एटीट्यूड मतलब कैसा आप रिस्पॉन्ड करते हैं किसी एक सिचुएशन में, वो हो गया आपका एटीट्यूड। इट इज़ डिफाइंड एज पर्सन्स टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन ए पर्टिकुलर मैनर, कि कैसा आप फील करते हो और कैसा आप बिहेव करते हैं, क्योंकि जैसा आप फील करोगे उसी तरह से आपका बिहेवियर रहेगा, तो किसी भी पर्टिकुलर मैनर में किसी भी टाइप की या अलग अलग टाइप की मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग टाइप की सिचुएशंस में कैसा आप फील और बिहेव करते हैं वो होता है आपका एटीट्यूड। वट आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, तीन कॉम्पोनेंट्स है, इमोशनल, बिहेवियर और इन्फॉर्मेशन, तीन कॉम्पोनेंट कौन कौन से एटीट्यूड के, मतलब ये वो कॉम्पोनेंट मतलब ये वो चीज़ें जो कि आपके एटीट्यूड को बताती है, डिफाइन करती है, इमोशनल, इन्फॉर्मेशनल्स
और बिहेवियर, अब इन तीनों के बारे में भी एक एक करके पढ़ लेंगे। तीन एटीट्यूड के कॉम्पोनेंट है, इमोशंस, इंफॉर्मेशन और बिहेवियर। अब इमोशनल कॉम्पोनेंट क्या होता है एटीट्यूड का? इमोशन मतलब पर्सन का फीलिंग कैसा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, मतलब कुछ हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव अप्रोच है तो पॉजिटिव फीलिंग उनके अंदर रहता है, ठीक है। तो इमोशनल कंपोनेंट में हो गया कि जो भी पर्सन है उसका फीलिंग कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आ जाएगा उसका इमोशनल एटीट्यूड, इमोशनल कंपोनेंट में, जो कि पहला कंपोनेंट है। सेकेंड है इंफॉर्मेशन कंपोनेंट। इंफॉर्मेशन मतलब आपके अंदर कितना नॉलेज है, अब बिलीफ में भी फाउंडेड और इनसफिशियंट ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन और ओपिनियन, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, कई बार आपकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से भी आपका एटीट्यूड डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है, मतलब जितनी आपको नॉलेज है उसी तरह से तो आप सोच सकते हैं, उसी तरह से आप रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन कॉम्पोनेंट है वो भी हमारे एटीट्यूड का ही कॉम्पोनेंट होता है, और आपको इनसफिशियंट नॉलेज होगी तो उसी हिसाब से आपका एटीट्यूड रहेगा। इसमें एग्जाम्पल बोला है कि अ ब्रांच मैनेजर इज ऑफ ओपिनियन दैट 2 वीक्स ट्रेनिंग मे बी एडिक्वेट फॉर पर्सन टू वर्क इफेक्टिवली एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम है सिस्टम सारा कुछ देखना है, तो उसको लगता है ब्रांच मैनेजर, क्योंकि 2 वीक का ट्रेनिंग काफ़ी है, 2 वीक का अगर उसने ट्रेनिंग ले लिया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने तो अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, विच एक्चुअली मे बी 4 वीक्स। तो 4 हफ्ते का ट्रेनिंग जो है रियल में चाहिए होता है, पर ब्रांच मैनेजर को ऐसा लगता है, उसका इतना नॉलेज है, उसको ऐसा लगता है, उसकी ऐसी ओपिनियन है कि नहीं, 2 वीक का ट्रेनिंग से हो जाएगा, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे से आपके अपने काम को कर सकते हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन इतनी है, इसी वजह से उसका एटीट्यूड ऐसा है। दिस बिलीफ ऑफ मैनेजर रिप्रेजेंट हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स ट्रेनिंग। तो ये उसका ट्रेनिंग के लिए एटीट्यूड है कि हाँ 2 वीक का ट्रेनिंग काफ़ी है, बट रियल में 4 वीक का ट्रेनिंग ही जो है चाहिए होता है, बट वो सोचता है ऐसा, ब्रांच मैनेजर ऐसा सोचता है। तो ये उसका इन्फॉर्मेशन कॉम्पोनेंट है कि उसको इतना नॉलेज है, ये उसका नॉलेज भी किस हिसाब से आया, उसका ओपिनियन रहा, उसको ऐसा लगा, तो उसकी जो ओपिनियन है उसके हिसाब से उसने डिफाइन कर दिया कि हाँ 2 वीक काफ़ी रहेगा, बट रियल में 4 वीक का जरूरत है। तो इसीलिए उसके एटीट्यूड ने डिफाइन किया उसकी नॉलेज को। तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन कॉम्पोनेंट है, मतलब आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितना आपको मालूम है, तो वो भी आपके एटीट्यूड को डिफाइन करता है। तीसरा हो गया, व्हाट 16 क्वेश्चन हो गया आपका, व्हाट इज बिहेवियर कॉम्पोनेंट, जो कि तीसरा कॉम्पोनेंट था ना। इमोशन हमने डिस्कस कर लिया, इन्फॉर्मेशन, अभी बिहेवियर कॉम्पोनेंट क्या है एटीट्यूड का। बिहेवियर मतलब इट कंसिस्ट ऑफ पर्सन टेंडेंसी टू बिहेव इन पर्टिकुलर वे टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, मतलब आप कैसा बिहेव शो करते हैं। द बिहेवियर ऑफ मैनेजर हैज इम्पैक्टेड ऑन वर्क प्लेस, जैसे कि आपका जो मैनेजर है उसका बिहेवियर किस तरह से है। कई बार आपने देखा होगा कि जो भी आप ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, 10 लोग हैं और आपका मैनेजर जो है वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। बोलता है ना, काम तो मिलजुल के सब हो जाएगा, बट बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर पॉजिटिव बिहेवियर रहेगा तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस रहेगा तो आपका एनर्जी का कुछ हिस्सा, उसको आप टेंशन ले रहे तो आपका एनर्जी का कुछ हिस्सा आपने वहाँ टेंशन लेने में, स्ट्रेस लेने में खर्च कर दिया। पर अगर आपका मैनेजर का बिहेवियर अच्छा होता तो आप उसी एनर्जी को काम में यूटिलाइज करते, जो कि आपकी आउटपुट को, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता। इसीलिए बोला गया कि जो बिहेवियर कॉम्पोनेंट है ये भी एटीट्यूड को डिफाइन करता है कि आपका कैसा बिहेवियर। और बोलते हैं ना कि ऐसा एटीट्यूड है हमारे मैनेजर का या ऐसा एटीट्यूड है हमारे कलीग्स का, तो उसका बिहेवियर है वैसा, मतलब ऐसा वो बिहेव करते हैं। तो तीसरा कंपोनेंट हो गया कि कैसा हम बिहेव करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सिचुएशन में। तो तीसरा हो गया हमारा बिहेवियर कंपोनेंट। नेक्स्ट, व्हाट आर 4 फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड के 4 फंक्शंस कौन से हैं? पहला एडजस्टमेंट फंक्शन, दूसरा हो गया ईगो डिफेंसिव, तीसरा हो गया वैल्यू एक्सप्रेशन, और चौथा हो गया नॉलेज फंक्शंस। तो ये 4 है, आपको उनको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।